जय हिंद साथियों, आज फिर आपके लिए लेके आए हैं रिमाइंडर समान विज्ञान के भौतिकी का पार्ट 3, जिसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे मात्रकों के मान तथा एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। यानी कि किसी भी पदार्थ का जो भी मात्रक होता है उसके एक मात्रक से दूसरे मात्रक में अगर हम परिवर्तित करते हैं तो क्या मान चेंज होता है, ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर होता है, या 1/1000 मिलीमीटर। आगे देखिए होता है एक पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है, एक पाउंड बराबर 453 ग्राम। एक फीट बराबर 12 इंच, एक फीट बराबर 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर। एक इंच में आपको 2.54 सेंटीमीटर होता है, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर। एक पारसेक पर का दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 × 10^15 मीटर या 10^6 मीटर लगभग। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.45 × 10^15 मीटर, इसी को हम लोग 10^16 मीटर लिख सकते हैं, लगभग में अप्रॉक्स में इतना लिख सकते हैं। एक किलोवाट घंटा बराबर एक यूनिट, एक किलोवाट घंटा बराबर एक यूनिट। एक न्यूटन बराबर बल का मात्रक न्यूटन, एक न्यूटन ये एसआई मात्रक होता है, एक न्यूटन जो होता है वो बल का एसआई मात्रक होता है और डाइन जो होता है वो सीजीएस मात्रक होता है। तो एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन होता है, एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन। एक बार बराबर 10^5 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एक बार बराबर 10^5 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली विधि को क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर बोलते हैं। जिसमें एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित कर देता है तो उस उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफायर या फिर दिष्टकरण कहते हैं। ठीक, एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10^-19 जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10^-19 जूल। एक वोल्ट बराबर 1 J/1 कूलम, एक वोल्ट बराबर 1 J/1 कूलम। पारसेक का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पारसेक का पूर्ण रूप होता है पैरालिटिक सेकेंड। आगे एक जीबी बराबर कितना होता है, 1024 MB, एक जीबी में 1024 MB। उसके बाद कहता है कि लगभग कितने इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश एक कूलम आवेश के बराबर होता है, तो 6×10^18 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के विद्युत आवेश के एक कूलम में 6×10^18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक मेगावाट यानी कि 1 MB बराबर 1048576 बाइट होता है, 1 MB = 1048576 होता है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि G का मान स्मॉल G यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष कितना होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल G बराबर G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक गुने द्रव्यमान बटे दूरी का स्क्वायर, यानी कि g बराबर G गुने m/r². गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान कितना होता है,
तो अंकीय मान होता 6.67 गुणे 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान 6.67 गुणे 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। एक फैदम बराबर 1.8 मीटर होता है या फिर 6 फीट होता है। एक फैदम में 1.8 मीटर या फिर 6 फीट होता है। एक एकड़ में 10^-4 मीटर स्क्वायर होता है। एक एकड़ में 10^4 मीटर स्क्वायर होता है। एक लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। एक लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। एक जूल बराबर 10^7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर 10^7 अर्ग होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति यानी कि एक एचपी को ही हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति बोलते हैं। तो एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। एक फैदम बराबर छः फीट। एक मील बराबर 5280 फीट या 1.61 किलोमीटर। एक मील बराबर 5280 फीट या 1.61 किलोमीटर। एक किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा या 3.6 गुने 10^6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा या 3.6 गुने 10^6 जूल। एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है? 1.496 गुने 10^11 मीटर। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुने 10^11 मीटर। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। नॉटिकल मील से समुद्रीय दूरी मापा जाता है। समुद्रीय दूरी कितनी दूरी वो मापा जाता है, जिसमें कि एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। एक फर्मी बराबर 10^-15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10^-15 मीटर होता है। एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.16 गुने 10^-19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.16 गुने 10^-19 जूल होता है। एक किलो कैलोरी बराबर 10^3 कैलोरी। एक वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है। एक मिली सेकेंड बराबर 10^-3 सेकेंड। एक माइक्रो सेकेंड बराबर 10^-6 सेकेंड। एक नैनो सेकेंड बराबर 10^-3 सेकेंड। एक नैनो सेकेंड बराबर 10^-9 सेकेंड। एक बैरल में कितना होता है? 159 लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। और एक कैरेट, ये कैरेट जो होता है इसमें क्या मापा जाता है? हीरे का द्रव्यमान। ठीक, तो एक कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है। एक कैरेट में 200 मिलीग्राम होता है। और एक केबिल में 100 फैदम होता है। एक केबिल बराबर 100 फैदम। और एक रिम में 20 दस्ता होता है। एक रिम में 20 दस्ता होता है। ये रिम क्या होता है? ये रिम में कागज़ मापा जाता है। ठीक ना, जैसे 20 पेज अगर रहेगा तो 20 पेज को हम लोग क्या बोलेंगे? एक रिम बोलेंगे। और 20 पेज या 20
दस्ता बराबर ही एक रिम कहलाता है। अब देखिए आपके सामने क्या है, दस के विभिन्न घातों के नाम, दस के ऊपर जो घात लिखते हैं जैसे 10^2, 10^3, 10^6, 10^12, 10^15, तो उसका क्या नाम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं पावर इसके भाषा में, फिजिक्स के भाषा में, वो आज हम बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए क्या है, 10 के विभिन्न घातों के नाम, तो देखिए 10^18 इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सा। 10^ अगर 18 है तो इसको हम लोग एक्सा बोलते हैं। 10^15 को हम लोग पेंटा बोलते हैं, 10^15 को पेंटा। 10^12 को टेरा, 10^12 = 13, 10^9 = गीगा या जीगा। 10^9 को हम लोग गीगा या जीगा बोलते हैं। जैसे 10^6, 10^6 को हम लोग मेगा कहते हैं। जैसे 10^6 अगर है, 10^6 अगर सेकेंड है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, माइक्रो, इसको हम लोग माइक्रो बोल सकते हैं, माइक्रो, माइक्रो सेकेंड बोल सकते हैं, ठीक ना। तो 10^-6 है तो सेकेंड है, तो माइक्रो सेकेंड बोल सकते हैं, 1 माइक्रो सेकेंड, ठीक। इसी तरह से अगर 10^3 है तो 10^3 को हम लोग क्या बोलेंगे, किलो, 10^3 को किलो बोलेंगे, ठीक। आगे देखिए 10^2, 10^2 को हम लोग क्या कहेंगे, हेक्टो, 10^2 को हेक्टो लिखते हैं। 10^1 अगर 1 है तो इसको हम लोग डेका से सूचित करते हैं, 10^1 अगर 1 है तो इसको हम लोग डेका से सूचित करते हैं। अब 10^ अगर -18 है तो एटो से, 10^ अगर -18 तो इसको हम लोग एटो से सूचित करते हैं, और 10^ अगर -15 है तो फेमटो से, 10^ अगर -15 है तो फेमटो से। आगे देखिए 10^ अगर, देखिए आप 10^ अगर -12 है, 10^-12 है तो इसको हम लोग पिक्को से सूचित करते हैं, 10^-12 = 1 पिक्को, 10^-9 को हम लोग नैनो लिखते हैं, 1 नैनो, 10^-9 है तो इसको हम लोग नैनो के रूप में लिखते हैं, 10^-6 है तो इसको हम लोग माइक्रो लिखते हैं, ठीक। 10^ अगर -6 है तो इसको माइक्रो से सूचित करते हैं। अगर 10^-3 है तो इसको हम लोग मिली लिखते हैं, 10^-3 है तो मिली लिखते हैं, मिली मतलब मिली लीटर। अगर 10^-3 लीटर है तो इसको हम लोग मिली लीटर कहेंगे, 10^-2 है तो सेंटीमीटर, 10^-2 है तो इसको हम लोग सेंटी से सूचित करते हैं, वो जो भी यूनिट हो उसके आगे हम लोग सेंटी लगा देते हैं। 10^ अगर -1 हो तो इसको हम लोग डेसी लगा देते हैं, यानी कि जो भी यूनिट है, अगर मीटर है तो डेसी मीटर, अगर लीटर है तो डेसी लीटर, तो 10^-1 है तो इसको हम लोग डेसी, अगर लीटर है 10^-1, 10^ अगर -1 लीटर है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बराबर 1 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर हम लोग लिखते हैं, है ना। आगे देखिए 1 पिक्कोग्रामी, 1 पिक्कोग्रामी को हम लोग क्या सूचित करेंगे, 1 पिक्कोग्रामी बराबर 10^-12 ग्राम होता है, 1 पिक्कोग्रामी बराबर 10^-12 ग्राम, 1 नैनो सेकेंड बराबर 10^-9 सेकेंड, अभी ऊपर बताए थे, है ना। 1 माइक्रो फैराड बराबर 10^-6 फैराड, 1 माइक्रो फैराड बराबर 10^-6 फैराड। 1 एंगस्टम में कितना mm होता है, तो 1 एंगस्टम में 0.1 mm होता है, 1 एंगस्टम में कितना mm होता है, तो 10^0.1 mm होता है, और 1 एंगस्टम बराबर 10^-10 मीटर होता है, 1 एंगस्टम बराबर 10^-10 मीटर होता है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं,
फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है, कैसा पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करें, और कमेंट में बताएं कि इसमें क्या कमी है, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे कि हमें सपोर्ट मिले और हम इस तरह का और भी वीडियो बना सकें। थैंक यू।